हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे कंसेप्ट्स आर बेस्ड हैं जो कि सभी एग्जाम में रिपीट होती हैं और बार बार पूछी जाती हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 18 है। इस सीरीज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1-4 एरर डिटेक्शन। क्वेश्चन 1, आई लेफ्ट अर्ली व्हेन आई वाज वेरी टायर्ड। आई लेफ्ट अर्ली व्हेन आई वाज वेरी टायर्ड। यहाँ अर्ली और व्हेन दोनों एक साथ आ रहे हैं। अर्ली और व्हेन दोनों ही टाइम को इंडिकेट करते हैं। आई लेफ्ट अर्ली मींस अर्ली यहाँ पे एज एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा है। व्हेन आई वाज टायर्ड, व्हेन यहाँ पे एज कंजंक्शन यूज हो रहा है। बिकॉज ये सेकंड क्लास, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। अर्ली और वैन के कम्बिनेशन से सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है, मैं जल्दी चला गया जब मैं थका हुआ था। जबकि इसका मीनिंग ये होना चाहिए, मैं जल्दी चला गया क्योंकि मैं थका हुआ था। रीज़न आना चाहिए, इसके बाद टाइम की बात नहीं होनी चाहिए, अर्ली के बाद रीज़न की बात होनी चाहिए। आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड और एज आई वॉज टायर्ड। बिकॉज और एज दोनों ही कंजंक्शन ऑफ रीज़न है, यहाँ पे रीज़न आना चाहिए, मैं जल्दी चला गया उसके बाद रीज़न देना है। और रीज़न की क्लाज इंट्रोड्यूस करने के लिए बिकॉज आता है या एज आता है या सिंस भी आता है। यहाँ आई लेफ्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड और एज आई वॉज टायर्ड और सिंस आई वॉज टायर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे व्हेन नहीं आना है, बिकॉज एज और सिंस आना है और आंसर हमारा बी हो जाना है। क्वेश्चन 2, देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। यहाँ पे कंपैरिजन है बिटवीन यू एंड ही। यहाँ पे कंपैरिजन की बात है बिटवीन किसके, बिटवीन आपके और उसके। प्रपोजिशन बिटवीन के बाद जो पर्सनल प्रोनाउन आता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है। यू की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है। तो यहाँ पे ही नहीं आना, हिम आना चाहिए। देयर वाज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम आना चाहिए और आंसर हमारा सी हो जाना है। क्वेश्चन 3, 50 kg आर हिज वेट। यहाँ सब्जेक्ट 50 kg है और आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट 50 kg है और इसके लिए प्लूरल वर्ब आर आ रहा है। जब मनी, डिस्टेंस, वेट और टाइम को एज सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है, जब मनी, डिस्टेंस, वेट और टाइम को एज सिंगल यूनिट कंसिडर किया गया हो तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आता है। यहाँ पे 50 kg को हिज वेट एज सिंगल यूनिट कंसिडर किया गया है, तो 50 kg के लिए वर्ब आर नहीं आना, इज आना है। 50 kg इज हिज वेट आना है और आंसर हमारा बी हो जाना है। क्वेश्चन 4, ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। यहाँ जेलस के साथ प्रपोजिशन फॉर आ रही है, जेलस के साथ प्रपोजिशन फॉर नहीं आती है, ऑफ आती है। ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी। तो यहाँ पे फॉर नहीं आना, ऑफ आना है, आंसर हमारा ए हो जाना है। क्वेश्चन 5, ही हैज रिलिंक्विश्ड ऑल कंट्रोल बाय द फैमिली बिजनेस टू हिज डॉटर। ही हैज रिलिंक्विश्ड ऑल कंट्रोल बाय द फैमिली बिजनेस टू हिज डॉटर। उसने जो फैमिली का बिजनेस है उसका सारा कंट्रोल अपनी डॉटर के लिए छोड़ दिया है। रिलिंक्विश मीन्स छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना। यहाँ ऑल कंट्रोल बाई द फैमिली बिजनेस आ रहा है, यहाँ पे कंट्रोल बाई नहीं आना है। ही हैज रिलिंक्विश्ड ऑल कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस टू हिज डॉटर आना है, तो यहाँ बाई नहीं आना, ओवर आना है, आंसर हमारा बी हो जाना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।